आज माशाल्लाह हिंदुस्तान 40 मिलियन पर टच कर रहा है और हम डे बाय डे काम हो जाए। थैंक यू जनाब सर जी। ख्वाजा ताहिर फ्रॉम कंट्रोल यूनियन। ये वो बातें जो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में तो नहीं कह सकता, एक बात मखदूम साहब ने कही मैं एंडोर्स करूँगा कि खुदा के लिए शॉर्टकट्स ढूंढना बंद कर दें ऑर्गेनिक कॉटन में, अगर करेंगे तो हमारा इंडिया जैसा सलूक होगा। सर्टिफिकेशन एक्रेडिशन बॉडीज बहुत सख्त हो गई हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स बन गए हैं, छापे मार रहे हैं, पाकिस्तान में आ रहे हैं। प्लीज़ कोई भी अगर कोई सोच रहा है, कर भी रहे हैं लोग, शायद करना भी चाहेंगे, लेकिन प्लीज़ मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि शॉर्टकट्स ना ढूंढें, जेन्युइन काम पे आएँ, पाकिस्तान का नाम बनाने की कोशिश करें। इससे मिनिमम लेवल नहीं है, हम वी कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग लाइक व्हाट इंडिया हैज डन। जुगाड़ कल्चर जो है ना ये सर मरवा देगा, पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगी ऑर्गेनिक। मैं एज कंट्री एज कंट्रोल यूनियन कह रहा हूँ कि अगर यहाँ शॉर्टकट्स ढूंढेंगे तो पाकिस्तान में ऑर्गेनिक नहीं चलेगी। ये हम बिजनेस से ज़्यादा मेरा पैशन है तो ये नहीं चलेगी, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। नंबर टू, अगर इस हाउस का हर पार्टिसिपेंट ये कहे ऑर्गेनिक कॉटन को बढ़ाने में और ना बढ़ाने में एक ही फैक्टर है, वो है सीड अवेलेबिलिटी। नॉन जीएमओ सीड की हर कोई बात करता है और करना चाहिए। सीड अगर आप मुझे दे दें सीड 10 लाख भेज का, मैं 5 साल में आपको 10 लाख भेज देता हूँ। मैं अभी आने से पहले कैलकुलेट कर रहा था, आज 50 सेंट 45 सेंट का प्रीमियम इससे ज़्यादा भी है ऑर्गेनिक का ओवर एंड अबव कॉम्बिनेशन। 5 लाख भेज का प्रीमियम बनता है 80 लाख, 80 मिलियन US डॉलर्स। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। 5 लाख भेज 5 साल में करना कोई बड़ी बात नहीं अगर सीड अवेलेबिलिटी हो। एंड वी गेट अ लॉट ऑफ फॉरेन इन विच वी आर बैगिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरफ देखें हार्मफुल पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड कंपनीज को बहुत दुख है कि वो उनका माल क्यों नहीं बिक रहा ऑर्गेनिक के इलाकों में। प्लीज़ या तो बैन कर दें वहाँ या उसको ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर दें। गरीब इतना है वहाँ फार्मर, उसको आप लाख ये आगे तक जाके उसके हाथ में सीड दें, उसके घर में जाके दें सीड नॉन जीएमओ और पेस्टिसाइड दें परमिटेड, लेकिन जो उसको सामने मिलेगी डब्बे में वो जाके लगा देगा। जो सीड उसको कल्टिवेशन का टाइम मिलेगा लगा देगा, जो पेस्टिसाइड उसको सामने पड़ी मिलेगी लगा देगा। वो इतना अनपढ़ है, बेईमान नहीं है, अनपढ़ है। सो वहाँ आने ही ना दें हम पेस्टिसाइड्स, ताकि ये MRL सबसे, जब दुनिया में GMO तो अब आए, साथ बैठे हैं बता सकते हैं, 7-8 साल से मैं GMO का सुन रहा हूँ। इससे पहले MRL मिनिमम रेजिड्यू लिमिट, ऑर्गेनिक वॉज आइदर इट इज़ MRL और इट इज़ नॉट MRL, तो वो फैक्टर कभी नहीं ख़त्म होगा। तो आप पेस्टिसाइड डालेंगे MRL आ जाएगा, उसको ख़त्म कर लेंगे। एक और बात कि इन कन्वर्शन की बात हुई है, पाकिस्तान बड़ा फॉर्चुनेट है कि जब यहाँ ऑर्गेनिक आनी शुरू हुई है, पहले 3 साल में कुछ नहीं मिलता था ग्रोअर को प्रोसेसर को मिलर को, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कॉटन पे इन्वेस्ट कर रहा था 3 साल के लिए, जब वो सर्टिफाइड हो गई तब मिलता। अब ये फॉर्चुनेटली पिछले साल कोविड की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से और दुनिया में ऑर्गेनिक इंडिया जब ख़त्म हुई कम हुई तो सप्लाई कम हो गई तो स्टैंडर्ड्स ने खुद अलाउ कर दी। पहला साल जो है वो इन कन्वर्शन का OCS में जाता है, OCS इज़ अ स्टैंडर्ड उसका।